राधे राधे दोस्तों, सभी को स्टोरीज कॉर्नर में स्वागत है। आज हम बच्चों के लिए एक नया कहानी फिर से लेकर आए हैं। वैसे भी अभी लॉकडाउन भी है, वैकेशन भी चल रहे हैं, तो सब बच्चे बोर होते होंगे, तो नए नए कहानियाँ रोज़ सुनाएंगे। तो चलिए आज की कहानी सुनेंगे। एक बहुत ही शरारती लड़के का कहानी है। पुराने ज़माने की बात है, किसी एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही शैतान था। हर दिन उसकी शिकायतें उसके माता पिता को सुनने को मिलती है। पिता ने मोहन को विद्यालय भेज दिया, स्कूल में डाल दिया, लेकिन उसकी शरारतों से शिक्षक भी बहुत दुखी हो गए। उस पर अपने शिक्षक की बातों का भी कोई असर नहीं होता था। मोहन कई बार बच्चों की सीट के नीचे चींटियां छोड़ देता, जिससे वे ठीक से पढ़ नहीं पाते। वो बच्चा इतना शरारती थे कि बच्चे भी बहुत डरते थे। उसकी शरारतों के बारे में अपने शिक्षकों से भी शिकायत नहीं करते थे बच्चे। एक दिन तंग आकर मास्टर जी ने उसे विद्यालय से निकाल दिया। उस जमाने में जंगल बहुत अधिक थे, बहुत ही पुराने समय की बात है। चारों ओर पेड़ पौधों की भरमार थी। अब मोहन जंगल में जाकर पेड़ पौधों का ध्यान करता, पानी देकर सींचता। घर में उसका मन नहीं लगता था। उसकी चिंता में माँ परेशान रहती। माँ तो हमेशा परेशान ही रहती है, और वो क्या करते, स्कूल जाने के बहाने बाहर जंगल में जाकर बैठ के खेलते थे। मोहन के गांव में एक बूढ़ा आदमी भीख मांगने आता था। वह उसे भी बहुत तंग करता। कभी उसका थैला छीनकर उसमें रोटी रखी तो निकालकर जानवरों को खिला देता, तो कभी बूढ़े पर पानी डाल देता और बूढ़ा बूढ़ा करके चिल्लाता। लेकिन बूढ़ा उसके गांव में ज़रूर आता। लोग उससे पूछते कि इतने तंग करने के बाद या इतने तंग होने के बाद भी वह इस गांव में भीख मांगने क्यों आता है। वह सबको एक ही उत्तर देता, मोहन बच्चा है, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े लोग करेंगे। उसकी बात सुनकर लोग चुप हो जाते। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मोहन किसी गांव से आ रहा था। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। किसी किसान ने अपनी फसल की रक्षा के लिए नागफणी की बाड़ लगा रखी थी। रास्ते में नागफणी के कांटे गिरे हुए थे। उसकी नज़र उन कांटों पर पड़ी। उसने सोचा कि वह एक तो कैक्टस को लेकर रास्ते पर डाल दे तो बड़ा मज़ा आएगा। अपने दो कैक्टस को उठा लिया और उन्हें घास के नीचे छिपा दिया, फिर घर चला आया। दो तीन दिन बीत गए। आज वह स्वयं उसी रास्ते से जा रहा था। उसी रास्ते से बूढ़ा भिखारी भी आ रहा था। मोहन को शरारत सूझी। उसने कहा, ज़रा थैला दिखाना बूढ़ा। भिखारी ने उसे थैला दे दिया। उसमें एक फटी धोती थी, दो रोटियां भी थी। वह थैले को लेकर उछालने लगा कि अब वह थैला नहीं देगा। भिखारी उसके करीब आता तो वह दौड़कर थोड़ी दूर भाग जाता। कितना शैतान है। इसी भाग दौड़ में अचानक सूखी नागफणी पर मोहन का पाँव पड़ गया। उसके पूरे तलवे में कांटे छुप गए। वह अचानक एक ओर लुढ़क गया। थैला उसके हाथ से छूट गया। भिखारी मोहन के पास आया। वहाँ उसने अपनी लाठी से घास हटाई तो उसे एक और नागफणी नजर आई। उसने उसे भी डंडे से दूर हटा दिया ताकि किसी और का पैर में ना लगे, और मोहन के पास बैठकर पाँव से कांटे निकालने लगा। भिखारी ने मोहन के पाँव से काफ़ी कांटे निकाल दिए, फिर भी कुछ कांटे उसके पाँव में चुभे ही रह गए। भिखारी ने उसे सहारा देकर खड़ा किया।
मोहन ने कहा, मैं घर नहीं जाऊंगा, छाया में बैठकर तलवे के सारे कांटे निकालूंगा, तब घर लौटूंगा। भिखारी ने कहा, यदि तुम मेरे झोपड़ी तक चलो तो मैं तलवे के सारे कांटे निकाल दूंगा, ऐसा लेप लगा दूंगा कि तुम्हारे पाँव जल्दी ठीक हो जाएगा। मोहन तैयार हो गया। भिखारी उसे अपने कंधे का सहारा देकर झोपड़ी तक ले आया। फर्श पर एक फटी पुरानी दरी और कंबल का टुकड़ा बिछा हुआ था, उसी पर उसने मोहन को लिटाया, पानी गर्म कर उसका पाँव धोया, फिर कांटे निकालकर पैर पर जड़ी बूटी का लेप कर दिया। मोहन को लेप से बहुत राहत मिली और वह सो गया। भिखारी ने अपने थैले से भीख में मिले चावल निकाले और खिचड़ी बनाई, फिर गांव जाकर दूध ले आया। उसने मोहन को खिचड़ी खिलाकर पीने के लिए दूध गर्म करके दिया। मोहन को अब उस भिखारी के साथ जो कुछ भी किया उस पर बहुत ही शर्म आ रहे थे। मोहन ने हमेशा भिखारी को बूढ़ा बूढ़ा कर बुलाकर चिढ़ाते थे। उसने भिखारी को दादा कहकर पुकारा। दादा शब्द सुनकर भिखारी की आंखों से आंसू झरने लगे। मोहन ने चकित होकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मैं 30 वर्षों से यहाँ अकेला पड़ा हूँ, तुमने मुझे दादा कहा तो मेरा दिल भर आया। भिखारी बोला, नहीं दादा, अब तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मोहन बोला। भिखारी हंसकर चुप हो गया। शाम होने जा रही थी। भिखारी ने उसके पाँव का लेप गर्म पानी से धो लिया। अब उसके पाँव में एक भी कांटा नहीं था। इसके बाद भिखारी उसे गांव तक छोड़ने आया। मोहन दौड़कर घर गया और रोटी तथा सब्जी लेकर आया। कहा, दादा इसे रात में खाना, मैं कल सुबह आऊँगा। भिखारी घर लौट आया। वह सोच रहा था कि मोहन कितना अच्छा लड़का है। मोहन दूसरे दिन उठा और एक किसान से बोला, यदि आपको मजदूर की ज़रूरत हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। किसान को एक मजदूर की ज़रूरत तो थी, मगर वह मोहन को एक शरारती बच्चे के रूप में जानता था। वह मोहन से बोला, तुम्हें शरारत से फुर्सत मिलेगी तभी तो काम करोगे, मुझसे आज काम लेकर देखो तब पता चलोगे। ठीक है, चलो काम करो, किसान बोला। मोहन ने दिन भर मेहनत से काम किया। बदले हुए मोहन को देखकर किसान बहुत चकित था। उसने मोहन को 3 सेर चावल मजदूरी में दिए। मोहन चावल लेकर भिखारी की चौपड़ी में जा पहुंचा। भिखारी खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। उसने जब चावल देखे तो बोला, मोहन बेटा ये ले जाकर अपनी माँ को दो, मेरा गुजारा तो भगवान चला ही रहा है। नहीं दादा, ये चावल तुम रखो, ये मैंने दिन भर मजदूरी करके कमाए हैं, तुम नहीं रखोगे तो मैं कल से मजदूरी नहीं करूँगा और शरारतें करने लगूँगा। उस दिन से मोहन बहुत बदल गया। अब वह हर एक की मदद करने की कोशिश करता। गांव के सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। तो चलिए, शरारती बच्चे की कहानी सबको पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। सभी शरारत करते होंगे तो हमको एक न एक दिन बड़े होकर उसको सुधारना ही होता है। शरारत बच्चे करते हैं लेकिन एक लिमिट तक तो ठीक है। तो आज की कहानी सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे अगले कथा लेकर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।